माता माँ वासुकी ने कहा कि रण में अपने शत्रुओं का मस्तक इसी तरह चूर्ण बनाते रहना। चूर्ण समझते हो ना नकुल? चूर्ण जिसे खाने के बाद पेट की शुद्धि हो जाती है। भ्राता भीम, इतनी बड़ी घटना होने पर भी आप हंस कैसे लेते? आपका रक्त नहीं उबल रहा क्रोध से? क्रोध के कारण मेरी हथेलियों से आग ना निकले, इसीलिए हंस रहा था पार्थ। उन पापियों को ज्ञान नहीं कि भीम स्वयं हनुमान से भी अधिक बलशाली होकर आया है। प्रण लिया है मैंने, उन 100 भाइयों की मृत्यु होगी तो मेरे हाथों से। मौन रहो भीम, अपने भाइयों की मृत्यु की बात करना हमें शोभा नहीं देता। पिताश्री कहते थे, भूल गए? सच्ची वीरता क्षमा में है, प्रतिशोध में नहीं। आज उसे मौन रहने को मत कहो युधिष्ठिर। क्षमा शत्रुओं को दी जा सकती है, परिवार वालों को नहीं। वनस्पति जल से जन्म लेती, यही कारण है कि लकड़ी को पानी डुबोता रही है। जिस दिन लकड़ी जल में डूब जाती है, उस दिन सृष्टि में प्रलय आता है। और जब परिवार विश्वासघात करता है तो वंश में प्रलय आता है। अब हस्तिनापुर में हमारे लिए कोई स्थान नहीं रहा। हम तुम्हारे ननिहाल कुंती पहुंच जाएंगे। वंश को इतना बड़ा दंड मत दो कुंती। जिस परिवार की बहू को उसके पति के घर में सुख सुविधा और सम्मान नहीं मिलता, उस परिवार को ही नहीं समग्र वंश को लांछन लगता है। स्वर्ग में पूर्वजों का अपमान होता है। किंतु ताश्री, मैंने गुप्तचरों से पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। जिस प्रकार शरीर के किसी भी अंग को घाव लगने पर मस्तिष्क पीड़ा भोगता है, इस घटना की पीड़ा तेरा रोम रोम भोग रहा है। इस कुत्ती का उपाय करने का निश्चय किया है मैंने। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं पुत्री, रुक जाओ। मुझ पर विश्वास करो कुंती, मुझ पर विश्वास करती हो ना पुत्री? जी ताश्री। Mahabharat।